CNN News brought to you by Deepak Jeweler, Lakkad Bazar, Solan 9816078655। दुकानें खोलने को लेकर सोलन शहर में व्यापारियों द्वारा विरोध करने के बाद बद्दी में भी व्यापारियों ने वीरवार को काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और सरकार से यह मांग की गई कि अब व्यापारियों के सब्र का बांध टूट रहा है, ऐसे में उन्हें दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। दुकानदारों का कहना था कि दुकानों का किराया, बिजली का बिल सहित अन्य कई खर्चे ऐसे हैं जो लगातार उनके सिर पर पड़ रहे हैं। कारोबार बंद होने के चलते कमाई बिल्कुल नहीं है, बच्चों के स्कूलों की फीस देनी है और कईयों को कमरे का किराया भी देना है। ऐसे में यदि लगातार दुकानें इसी प्रकार से बंद रही तो आने वाले समय में व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रदेश सरकार से व्यापारियों ने उन्हें दुकानें खोलने की जल्द ही इजाजत देने की मांग की। व्यापार मंडल के संजीव कौशल व प्रवीण कौशल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर सरकार के साथ कई दौर में बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक बाजारों को खोलने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। 1 जून से अनलॉक के दौरान बाजार कैसे और किस समय तक खुलेंगे, इसको लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की कि व्यापारियों के हित में भी कुछ सोचा जाए। मेरी दुकान का नाम है अग्रवाल फैशन मॉल, साई रोड पर शॉप है मेरी, और हम आज बंद का आह्वान, हमने गवर्नमेंट से निवेदन किया है कि सरकार कभी भी किसी एक ग्रुप की वजह से या एक पार्टी की वजह से नहीं होती है। ग्रुप सब सरकार जो है सबकी सहमति से बनती है, हर वर्ग की सहमति से बनती है, सब वर्ग मिलकर एक सरकार बनाते हैं। हम भी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार भी हमारे बारे में कुछ सोचे। जिस तरीके से हम सब लोगों ने मिलकर एक सरकार को क्रिएट किया है, बनाया है, तो सरकार का ही फर्ज बनता है कि हर वर्ग के लिए सोचे, उनकी मजबूरी को समझे। पिछले 25 दिन से हम लोग घर पे बैठे हैं, रोजगार कारोबार हमारे से रिलेटेड जो बंदे हैं, हमारे इम्प्लॉयज़ हैं 15, 10, 5 पर हर शॉप पर काम करते हैं, वो भी बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं। जिन पार्टियों का हमने पैसा लेना है, देना है, सब हर काम बंद है। हमारी सरकार से निवेदन है कि जिस तरीके से हम लोगों ने, आप सब ने मिलकर चुन के सरकार को बनाया है, सरकार भी हमारे बारे में कुछ सोचे। हम सरकार के साथ हैं, सरकार से अलग नहीं जाना चाहते, बट सरकार कुछ ना कुछ हमारे बारे में भी सोचे। हम बड़े परेशानी से गुजर रहे हैं। जिस तरह से सरकार व्यापारी वर्ग से उम्मीद रख रही है कि आप कोरोना में हमारा साथ दीजिए, व्यापारी वर्ग, हर वर्ग व्यापारी सरकार का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन व्यापारी वर्ग की हाथ जोड़ के विनती है, जितनी सेफ्टी कोरोना से ज़रूरी है उतना ही व्यापार भी जरूरी है। हर बंदे के लिए रोज़गार ज़रूरी है। अगर बंदा कोरोना से सेफ रहेगा और बिना रोज़गार, किसी भी स्टैंड का, किसी भी वर्ग का, किसी भी लेवल का बंदा है, बिना रोज़गार वो वैसे ही मर जाएगा, वो घर पे बैठा बैठा मर जाएगा। इसलिए निवेदन है, कोरोना की सेफ्टी के साथ साथ रोज़गार हर बंदे का हो, कम या ज़्यादा सफ़र कर लेगा बंदा, बट अगर बेरोज़गार हो गया बंदा, वो घर पर बैठा बैठा विद फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए सेफ्टी के साथ साथ कारोबार भी जरूरी है। हर व्यापारी वर्ग सेफ्टी के साथ बरतना के लिए, मतलब अपने आप पे क्या बोलेंगे उसको, हर सेफ्टी वर्ग यूज करने के लिए वचनबद्ध है, बट उसको रोजगार का भी कुछ ना कुछ साधन दिया जाए, नहीं तो वो घर पे विद फैमिली बहुत परेशान हो जाएगा, मेंटली परेशान हो जाएगा वो। हमारा सरकार से एक ये विरोध था कि सभी कुछ एक्टिविटी जो है चालू है, सिर्फ दुकानें ही बंद हैं। व्यापारी बिल्कुल टूट चुका है, इतने दिन व्यापारियों का जो काम धंधा बिल्कुल ठप है, घर में बैठे हैं, उनको बैंक का ब्याज है, बच्चों की फीस है, घर का किराया है, दुकान का किराया है, बिजली के बिल, उन सबसे व्यापारी बहुत परेशान हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ व्यापारी आत्महत्या करने की सोच रहे थे, क्योंकि खर्चे कम नहीं हुए और काम बिल्कुल बंद हो गया। तो आज बद्दी व्यापार मंडल में व्यापारियों ने अपने मुंह पे काली पट्टियां बांध ली और कहा कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार जो करेगी वो हमें मंजूर है, क्योंकि व्यापारियों की जो अब कमर टूट चुकी है और व्यापारी उसमें सदमे में है। और हमने ये आज
अपना गुपचुप अपना जैसे शांति से अपना प्रदर्शन किया। सभी दुकानदार काली पट्टी बांधे अपनी दुकानों के आगे इकट्ठे हुए, कोरोना नियमों का भी पालन किया। व्यापारियों ने कहीं इकट्ठे नहीं हुए, धारा 144 लगी हुई है, अपने अपनी दुकान के आकर आगे खड़े होकर के अपना काली पट्टियाँ बांध के विरोध किया है कि सरकार को इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, क्योंकि व्यापारी हमेशा सरकार के साथ है, सरकार के जो भी आदेश होते हैं व्यापारी उसको बखूबी मानता है और कभी भी नियम नहीं तोड़ता। फिर व्यापारी को ही क्यों बार बार परेशान किया जाता है? इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि ये जो व्यापारियों ने अब बोलना कुछ नहीं है, अगर हो सके आपको इन पर दया धर्म आ जाए तो दुकानें खोलने की इजाज़त दे दे, नहीं तो व्यापारियों को भीख मांगने की परमिशन दे दे कि वो भीख मांग करके अपने परिवार का गुजारा करें। TNN News brought to you by Smart. विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान, आज ही पधारिए Smart, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, सोलन।